देखिए, अगर आपने खाना बना के रखे है तो गरम कैसे करेंगे, तो आइडिया है आपको बोरोसिल की। बोल में इसमें इम्पोर्टेंट जो है, एक बार अभी मम्मी जी को भी वो नहीं पता है तो आप खुद ही डेमो दे दो। इसमें पानी डाल दो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एंटी इसमें फॉर एग्जाम्पल इस तरह से मैंने खाना बना के रखा था मॉर्निंग में और मुझे गर्म करना है, इसको अंदर रखा है मैंने, ओके, और मैं इसको यहाँ से मुझे खाना सिर्फ गर्म करना है। यहाँ मोड़ कैसा सिलेक्ट होता है देखिए, ठीक है, यहाँ पर मोड़ दिया है कुक एंड मोड़, ठीक है, इसको ऑन किया है मैंने, ठीक है, यहाँ से ऑन करने के बाद में फर्स्ट मोड़ आया माइक्रोवेव, ओके, फिर यहाँ से मैं इसको देखिए ये कुक मोड, यहाँ से सारे मोड सिलेक्ट होते हैं, ओके, यहाँ से ऑन किया मैंने, 900 वेट आया, ओके, अब मुझे इसको ही सिलेक्ट करना है। अगर मुझे माइक्रोवेव का भी वेटेज कम करना है, स्लो फास्ट करना है, फॉर एग्जांपल गैस हमारा कम ज़्यादा होता है, वैसे ही मैं यहाँ से इसको डिग्री भी प्लस माइनस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे 900 वेट दूंगा, कम टाइम में उतने जल्दी किसी भी चीज़ को बना दूंगा। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब यहाँ से टाइम पूछता है, यहाँ से मैंने इसको दिया 30 सेकेंड एंड स्टार्ट, ओके, 30 सेकेंड में मैं इसको खाना गर्म कर सकता हूँ। हरदम का ये टाइमिंग वहाँ पे सिलेक्ट हुआ नहीं, वो आपको सिलेक्ट करना है और टाइम, हाँ, तो कोई चीज गर्म भी करनी तो कुक मोड में जाकर गर्म करना, बिल्कुल डायरेक्टली टाइम नहीं सेट करना, नहीं, कुक मींस माइक्रो, माइक्रो मींस बेकिंग प्लस कुकिंग, ओके, इसको ओपन किया, यानी अभी सिर्फ गर्म करना है अपने को, बनाया हुआ है तो गरम कर, देखो बॉल नहीं गरम होता है, पानी गरम किया हो जाता है, ठीक। अब इसमें जो है, अभी मुझे, अभी मैंने माइक्रो सेलेक्ट किया था, ओके, माइक्रो मींस बेकिंग प्लस कुकिंग, ऑलवेज आप इसमें सब बेकिंग प्लस कुकिंग करेंगे, इसमें आप स्टील, सॉरी, इसमें जो है आप टपरवेयर एंड बोरोसिल यूज़ करेंगे, टपरवेयर, बोरोसिल, सादा मिरर प्लास्टिक 3 मिनट, इसके अलावा आप लकड़ी और मिट्टी के पॉट भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास हो तो दो, मैं यूज़ करके बताता हूँ। मिट्टी का है? हाँ, मिट्टी का दे दो, ठीक है। इसके बाद में माइक्रो मींस बेकिंग प्लस कुकिंग हो गया, ओके, इसके बाद में अब मुझे रोस्ट करना है या बेक करना है, फिर मैं इसको और एक बार प्रेस करता हूँ तो ग्रिल आ गया, ECG सिंबल आ गया, ओके, ECG सिंबल मींस हार्ट रेटिंग सिंबल, ग्रिल आ गया, ओके, मैं ग्रिल में मुझे रोस्ट करना है पनीर टिक्का, पनीर चिली, पनीर अंगारा, ओके, या तो फिर मुझे पिज़्ज़ा बनाना है या किसी चीज़ को रोस्ट करना है, कड़क करना है, ओके, मुझे स्लो मोशंस में करना है तो मैं ये स्मॉल लोअर रैक रखूँगा, ओके, मुझे ज़्यादा हाई चाहिए, जल्दी फास्ट करना है तो मैं इसको निकाल के फिर ये हाई रैक रखूँगा, ठीक है, फिर मुझे पिज़्ज़ा बनाना है या किसी चीज़ पे लिक्विड है, रोस्ट हो रहा है, तो मैं इसको भी रख सकता हूँ। ये रखने के बाद मैंने आपको इसमें पिज़्ज़ा के लिए वो पहले रखना है, हाँ हाँ, हाई रैक रखना है, इसको फिर मैंने ग्रिल किया है, ओके, ग्रिल करने के बाद मैं यहाँ से इसको टाइम सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से देखिए ये ग्रिल सेलेक्ट किया, यहाँ से स्टार्ट दिया मैंने और यहाँ से टाइम लेना है मैंने, और 110 यानी 1 मिनट 10 सेकंड और स्टार्ट करना है, ग्रिल हो गया है, ओके, मैं इसको चलते में भी खोल सकता हूँ, स्टॉप हो जाता है, फिर लगा के स्टार्ट कर सकता हूँ, चलते में खोल सकते हैं, बिल्कुल, और यहाँ से स्टॉप करता हूँ, निकालता हूँ बाहर इसको, ठीक है, ये निकाल दिया मैंने, ठीक है, अब मुझे इसके तीसरे मोड़ में जाना है, ठीक है, यहाँ से मैं, मुझे नान खटाई, बिस्किट, बाटी, पिज़्ज़ा बेस, यानी ऑलवेज मुझे बेकिंग करना है, ग्रिल बोले तो रोस्ट, किसी चीज़ को कड़क करना है, ठीक है, फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, माइक्रो हो गया, ग्रिल हो गया, कन्वेक्शन, 180 डिग्री आया कन्वेक्शन, मुझे नान खटाई, बिस्किट, बाटी, पिज़्ज़ा बेस, कुकीज़, मोदक बनाना है, ठीक है, साबुदाने वाले बनाना है या अच्छा बेहतर बेक करना है, तो कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री एग्जॉस्ट फैन का सिंबल आया, यानी कन्वेक्शन आ गया आपका,
180 डिग्री। अब मुझे इसको यहाँ से डिग्री बढ़ाना है, ठीक है? तो मैं यहाँ चल रहा है नापना हुआ नहीं, अपन और डिग्री बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के ऑन कर सकते हैं, ठीक है? डिग्री बढ़ाने के लिए यहाँ से दिया 190, 220, 210, ठीक है? यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे बेहतर और अच्छा बेकिंग जो है 180 डिग्री, ठीक है? अब मैंने केक नान खटाई बिस्किट बाटी अंदर रखा, इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ से टाइम पूछता है कितना टाइम देना, फिर यहाँ से मैंने इसको टाइम देना है, स्टार्ट, यहाँ से टाइम देना है और इसको स्टार्ट करना है, ठीक है? ये स्टार्ट कर दिया, ठीक है? अब जो है ग्रिल और कन्वेक्शन में, मैम ग्रिल और कन्वेक्शन में मैं स्टील, मेटल, जर्मन, पीतल, लोखंड, सोना, चांदी, मिट्टी और लकड़ी के पॉट भी यूज कर सकता हूँ। स्टील, मेटल, जर्मन, पीतल, लोखंड, घर का स्टील भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है? ग्रिल और कन्वेक्शन मोड में, माइक्रो में, ठीक है? अब इसको मैं स्टॉप करता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ और दी है, ये सारे फीचर्स दी है, देखो ये क्या है पता है क्या आपको? यहाँ पे ग्रिल, कन्वेक्शन, इसमें कॉम्बी भी दिया है। कॉम्बी मीन्स किसी चीज़ को रोस्ट करना है, फ्राई करना है, वो आप नहीं यूज़ करते हो, ठीक है? आप समझ गए काय के लिए होता है। ग्रिल के साथ आप माइक्रो ले सकते हैं, कन्वेक्शन के साथ माइक्रो ले सकते हैं और सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और दूसरी चीज़ें भी है नीचे यहाँ दी हुई, ठीक है? हेल्थी हार्ट वगैरह ये सारी चीज़ें दी है। इसमें ऑटो कुक मेनू दिया है, इसमें मोड और टाइम सेलेक्ट नहीं करना है, ये खुद बना के आपको देगा, सिर्फ आपने कोड नंबर यूज़ करना है, ठीक है? अब इसको लगाता हूँ। कोड नंबर कैसे यूज़ करेंगे? नान खटाई का भी दिया हुआ है वो जी, तो वो हमको ना आप इजी वाला ही ऑटो वाला ही सिखाएं। नहीं, इजी वाला मत सीखो आप, उसमें बहुत टाइम लगता है, प्रॉपर नहीं बनता है। आप डिग्री वाला आप पर्सनल खुद अच्छा और बेहतर बना लेंगे, यहाँ बेक करेंगे, बंगले के बाहर खुद बनाएंगे, अच्छा। आप खुद पर्सनल बनाएंगे, इसमें टाइम भी ज़्यादा जाता है, चीज़ें जल जाती है, क्योंकि ये इसके हिसाब से बनाता है, उसका वेट जो होता है केजी, वो उसके हिसाब से होना चाहिए तो प्रॉपर बनेगा, नहीं तो फॉल्टी हो जाएंगे, ठीक है? फिर यहाँ से जो ऑटो वो डिग्री में जो दिया है, किड्स, डेलिकेटेड, ड्राई फ्रूट वगैरह, यहाँ से सिलेक्ट करना है, ओके? इसमें जो भी होगा यहाँ से सिलेक्ट करके स्टार्ट देना है, 5 मिनट में वो चीज़ बन जाएंगी आपकी। ये सारी चीज़ें 1, 2, 3, 4, 5, ये चारकोल वगैरह इंडियन सारी चीज़ें दी है। चारकोल ये वाला फीचर जो है, इस तरह आपने ऑटो कुक मेन्यू में यूज़ करना है, ठीक है? नहीं, अभी आपने 1, 2 दिखाया पे, जैसे चारकोल में, तो 1, 2 में मतलब क्या बना सकते हैं? 1, 2 में वो बुक्स में दिया है, ये बुक है देखो, ये बुक के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी, ये देखो राइस डिलाइट दिया। अभी ये चेंज कैसे करना है? 3, 11 ये, हाँ 3, 11 अभी राइस डिलाइट में दिया है, ओके? इसमें राइस डिलाइट का आ गया, अभी 4 आ गया, ठीक है? 4 के बाद ये आपने 1, 2, 3 ऐसा लेना है, राइस लाइट का 3, 1, 3, 1 ये चारकोल में ही, चारकोल में आया ना राइस डिलाइट, ओके? यहाँ से स्टॉप किया, ठीक है? देखो ये 1 आया, आपको 3 चाहिए यही से प्लस करना, हाँ यहीं से प्रेस करना है। देखो फिर से देखो, राइस डिलाइट में मुझे 3 में 11 चाहिए, ये 3 आ गया। सपोज मम्मी जी आपका नहीं, देखो 3, 11 में मैंने रेसिपी भी दी है, तिरंगा पुलाव, ये 3 में 11 के तक यहाँ से जाना है, 11 तक लानो या फिर हिसाब से, ये 11 आ गया और यहाँ से सिर्फ स्टार्ट कर देना है। फिर ये पूछता है मैडम देखो 0.2 यानी कि 2 किलो तक बना सकते, फिर 0.2 मांगा इसने, फिर यहाँ से स्टार्ट कर, 17 मिनट में आपका तिरंगा पुलाव बन जाएगा। 0.2 kg 2 किलो, ठीक है? तो इसको 2 किलो थोड़े इतना चावल लेते हैं पुलाव उसके अंदर ही लेते चलता है ना कम।